ताइवान में आए भूकंप ने सिर्फ वहां तबाही नहीं मचाई बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ा है। क्या इस भूकंप से भारत में चिप और सेमीकंडक्टर की कीमतें बढ़ जाएंगी? क्या भारत और ताइवान के बीच चिप और सेमीकंडक्टर्स को लेकर हुई डील्स मुश्किलों में पड़ जाएगी? आइए बात करते हैं ताइवान में आए भूकंप का भारत पर क्या असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मेरा नाम है अर्णिमा द्विवेदी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में आए इस भूकंप के कारण भारी तबाही मच गई है। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और हजार से ज्यादा लोग घायल हैं। इस आंकड़े में और इजाफा भी हो सकता है। ताइवान में आया ये भूकंप भारत के लिए भी बुरी खबर लेकर आया है। दरअसल ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और चिप प्रोड्यूसर है और इस भूकंप के कारण देश की कई कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ा है। उन्हें अपनी यूनिट्स को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है कि सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। तो वहीं ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ताइवान में भूकंप की वजह से बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, ट्रेन सेवाएं ठप हो गई हैं और देश की कई कंपनियों में कारोबार भी लगभग रुक गया है। ताइवान ग्लोबल चिप सप्लाई में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ये देश दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि TSMC का घर है, जो एप्पल और एनवीडिया जैसी कंपनियों को चिप सप्लाई करती है। देश में UMC, वैनगार्ड इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई और चिप निर्माता भी हैं। भारत भी काफी बड़ी तादाद में ताइवान से चिप और सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। इंडिया दुनिया में सेमीकंडक्टर का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। भारत में लगभग 2045 एक्टिव इंपोर्टर्स हैं जो 2475 सप्लायर्स से सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं। भूकंप के बाद कई ताइवानी कंपनियों का कहना है कि उन्होंने अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को खाली कर दिया है। TSMC ने भूकंप के बाद एक बयान जारी करके ये कहा कि उसके प्रोडक्शन प्लांट्स पर काम रुक गया है। कैनेडाई रिसर्च फर्म टेक इनसाइट्स के उपाध्यक्ष डैन हचिसन की माने तो भूकंप के बाद चिप मैन्युफैक्चरिंग फिर से चालू करने में 36 से 48 घंटे लग सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस से लेकर ऑटोमोबाइल तक में जिन भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में चिप्स का इस्तेमाल होता है उन सभी की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2026 तक चिप और सेमीकंडक्टर का बाजार $63 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन ताइवान में आए इस भूकंप की वजह से भारत सहित दुनिया भर में सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है और इससे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस महंगे और बहुत महंगे होने की संभावना बढ़ गई है।